أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم students، fine. तो स्टूडेंट्स, हमने पहले पिछले एक लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, हम किस टाइम टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है बेसिकली, ठीक है। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में हम देख रहे होंगे कि किस तरह हम जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से बच सकते हैं, या किस तरह हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म देखना कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है और इसमें क्या करना होता है। अच्छा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बेसिकली दो एट्रीब्यूट के दरमियान रिलेशनशिप है। क्या है? दो एट्रीब्यूट के दरमियान रिलेशनशिप है। अगर हमें एक एट्रीब्यूट की वैल्यू पता हो तो हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है हासिल कर सकते हैं। इसमें एक एट्रीब्यूट की वैल्यू मतलब एट्रीब्यूट किस तरह के होते हैं, दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके नॉन प्राइमरी की होते हैं, यानी ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो दोनों जो हैं वो ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि प्राइमरी की ना हो, ठीक है। यानी एक नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के नीचे टेबल दिया गया हुआ है। अगर इस टेबल की मैं बात कर लूँ तो इसमें प्राइमरी की एट्रीब्यूट है कस्टमर आईडी, अच्छा। उसके बाद है सेल्स और रीजन। अब इसमें जो हमारी रीजन है वो डिपेंड कर रहा है सेल पर, ठीक है, सेल्समैन पर। यानी जो जहाँ जहाँ भी आपका अहमद होगा वहाँ आपको क्या मिलेगा, साउथ, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपका बशीर होगा वहाँ आपको मिलेगा वेस्ट। जहाँ जहाँ, ठीक है, मुनीर होगा वहाँ आपको मिलेगा नॉर्थ। यानी अगर आप चाहते हैं कि अहमद का आप पता लगाना चाहते हैं, या कहते हैं कि साउथ जो है हमें पता है कि रीजन ये है, तो हमने बताना है सेल्समैन कौन है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो अहमद है। हम कहते हैं साउथ, तो साउथ का हम कहेंगे कि सेल्समैन कौन सा है, वो है अहमद। इधर भी साउथ है, साउथ का सेल्समैन कौन है, अहमद। वेस्ट का सेल्समैन कहाँ है, कौन है, बशीर। वेस्ट का सेल्समैन कौन है, बशीर। तो ये एक नॉन की है, नॉन की एटीट्यूड, यानी ऐसे एटीट्यूड जो प्राइमरी की ना हो। ये भी एटीट्यूड प्राइमरी की नहीं है और ये भी एटीट्यूड प्राइमरी की नहीं है, ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। यानी एक की वैल्यू को मालूम हो तो हम दूसरे की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब एक एट्रीब्यूट की वैल्यू हमें पता हो तो हम उससे दूसरे के एट्रीब्यूट की वैल्यू हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी की किस्म है, बिटवीन टू आर मोर नन की एट्रीब्यूट, दो या दो से ज्यादा नन की एट्रीब्यूट के दरमियान ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। नन की ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो प्राइमरी की से हट कर हों। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट मौजूद होती है, पाई जाती है, इफ अगर अ नन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन एनी अदर नन की एट्रीब्यूट। यानी अगर एक नन की एट्रीब्यूट इसे दूसरी दूसरे नन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। इट मीन्स दैट ए रिलेशन इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ द वैल्यू ऑफ नॉन की एटीट्यूड कैन बी अबटेन्ड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ अनदर नॉन की एटीट्यूड। कहते हैं एक जो टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा अगर एक नॉन की एटीट्यूड की वैल्यू से, एक नॉन की एटीट्यूड जिसकी हमें वैल्यू मौजूद हो, जिसकी हमें वैल्यू पता हो, उससे हम किसी दूसरे नॉन की एटीट्यूड की वैल्यू हमें मिल जाए। यानी एस अगर कोई भी जो टेबल है जिसमें एक नॉन की एटीट्यूड की वैल्यू का हमें पता हो और उससे दूसरे नॉन की एटीट्यूड की वैल्यू का हमें पता चल जाए, तो उसको हम ऐसे टेबल को क्या कहते हैं, वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आपका टेबल वही होगा जो ऑलरेडी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। पहली शर्त, वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है, और दूसरी शर्त ये है कि उसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना होने का मतलब ये है कि कोई भी नॉन की एटीट्यूड किसी दूसरे नॉन की एटीट्यूड पर डिपेंड ना कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, ओके। उसके बाद इसमें कहते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से कौन कौन सी अनामलीज प्रोड्यूस हो सकती हैं, वही इंसर्शन अनामलीज, डिलीशन अनामली, मॉडिफिकेशन अनामली। ये मैंने आपको बार बार पहले बता चुका हूँ, ठीक है, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म का पढ़ेंगे तो उसमें भी उसने यही चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। चलें जी, आज आगे नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज 3NF, ठीक है, व्हाट इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म, क्या है, एक्सप्लेन विद इन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ ध्यान करें, ठीक है। ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, पहले नहीं आया आपको, दो दफ़ा बता चुका हूँ,
कि ये पहले कोई भी नॉर्मलाइजेशन वाला क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है वो किसी तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई गारंटी नहीं होती कि इस चैप्टर में लॉन्ग आएगा नहीं आएगा ये वो, तो आपने अपनी तरफ से फुल तैयार होकर रहना है, कहते हैं ना हथियार आपने सेट करके रखना है, ठीक है, तलवारें आपने तेज करके रखनी है, बंदूक के पिस्तौलों को आपने घोड़े चाड़ कर रखना है, ठीक है जी। चलिए थर्ड नंबर फॉर्म हम देखते हैं, मैंने ऑलमोस्ट सॉरी ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ऐसी आपकी नॉर्मल फॉर्म होती है जो ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म हो और उसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ना कर रही हो, ठीक है। ओके जी, मैं 2 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ, ठंडी हो रही है। चले जी, अभी गर्म ही है। अच्छा, अ रिलेशन इज इन अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एक रिलेशन जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है इफ इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, अगर ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। अगर कोई टेबल पहले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है एंड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, और कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी उसमें मौजूद नहीं है, तो वो कौन कहाँ होगा, यानी किस फॉर्म में होगा, वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। ऐसा टेबल जो ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है और कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज इन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन में एक बहुत अहम फैक्टर है, एक अहम इसका एक हिस्सा है, इसका जुज है, इसका एक पार्ट है। नॉर्मलाइजेशन रिमूव्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फ्रॉम और रिलेशन इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, कहते हैं जो नॉर्मलाइजेशन ये क्या करता है, ये जो एक टेबल आपका सेकंड नंबर फॉर्म में है उसमें अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो तो उसको ये क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ए रिलेशन इज नॉट इन थर्ड नंबर फॉर्म इफ द वैल्यू ऑफ नॉन की एट्रीब्यूट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ अनदर नॉन की एट्रीब्यूट, ये हमने पहले भी पढ़ चुका कि एक टेबल जो है ना थर्ड नंबर फॉर्म में नहीं होगा अगर एक नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू को जानते हुए या एक नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू को अगर हमें पता हो तो उससे दूसरे की पता चल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये रिलेशन आपका थर्ड नंबर फॉर्म में नहीं है। एग्जाम्पल उसने दी है, ठीक है, वही एग्जाम्पल जो ऊपर हमने पढ़ी है। सपोज द फॉलोइंग रिलेशन सेल्स इज एग्जिस्ट, यानी हमारा एक रिलेशन है, एक टेबल है जिसका नाम उसने क्या कहा है, सेल्स है, ठीक है, ये वाला टेबल है उसकी इसकी ये बात कर रहा है। ओके, उसके बाद कहता है सेल्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सेल्स कस्टमर आईडी है जो उसकी प्राइमरी की है, क्योंकि इसके नीचे लाइन लगी होती है, प्राइमरी की के नीचे नेम है, उसके बाद सेल्समैन है, ओरिजिन है। द एट्रीब्यूट कस्टमर आई डी इज यूज एज प्राइमरी की, जो कस्टमर आई डी है वो क्या है, एज ए प्राइमरी की यूज की गई है। ईच सेल्समैन इज असाइंड ए यूनिक रीजन, हर जो सेल्समैन है उसको एक यूनिक रीजन दिया गया है, ठीक है, यानी तुमने इस रीजन में काम करना है, तुमने वेस्ट में करना है, तुमने साउथ में करना है, तुमने रीजन मतलब इलाका। द अबाव रिलेशन कंटेन्स द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी, ऊपर वाला जो रिलेशन है, ठीक है, ये जो नीचे इसने पिक्चर बनाई है इसमें ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको पता है, इफ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट, यानी अगर एक एट्रीब्यूट की हमें वैल्यू पता हो तो उससे हम अगर किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू हासिल कर सकें तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। कस्टमर आईडी इसमें वो कहता है कि अगर हमें कस्टमर आईडी का पता तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसका नेम पता चल जाता है, कस्टमर का नेम क्या है और उसके सेल्समैन कौन कौन सा है, ठीक है, उसके रीजन का हम नहीं बता सकते, ठीक है। अगर कस्टमर आईडी 10 है तो उसका सेल्समैन कौन सा होगा, अहमद होगा, और उसका नेम क्या है, एसन है, ठीक है। अगर कस्टमर आईडी 20 है उसका सेल्समैन क्या है, बशीर है, और उसका नेम क्या है, रजाक सॉरी बाबर है। इसी तरह अगर कस्टमर आईडी 30 है उसका नेम अली है और उसका सेल्समैन क्या है, अहमद है। तो मतलब ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं आपके किस पर, कस्टमर आईडी पर। उसके बाद वो कहता है सेल्समैन किस पर डिपेंड कर रहा है, वो आपकी रीजन पर डिपेंड कर रहा है, यानी अगर आपको सेल्समैन की वैल्यू पता हो तो आपको रीजन की वैल्यू हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी देखा, देखो सेल्समैन अहमद है, ठीक है, ये जो सेल्समैन अहमद है इसकी वैल्यू को अगर हमें पता हो तो उसका हमें पता चल जाए तो उसका रीजन क्या है, साउथ है, जहाँ जहाँ अहमद होगा वहाँ वहाँ आपको साउथ मिल जाएगा, जहाँ जहाँ बशीर मिलेगा आपको वहाँ वेस्ट मिलेगा, और जहाँ जहाँ मुनीर मिलेगा वहाँ आपको नॉर्थ मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ये भी ये जो एट्रीब्यूट्स है ये नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स है और ये भी एट्रीब्यूट्स नॉन की एट्रीब्यूट्स है, ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, इसको हमने खत्म कर देना। तो इस तरह हमें एक हमारा जो टेबल है वो सेकंड नंबर फॉर्म से थर्ड नंबर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे वो नीचे कुछ की इसकी एक्सप्लेनेशन बताएगा, द अबव रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म बिकॉज प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट्स, कहते हैं ऊपर वाला जो रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा क्योंकि जो प्राइमरी की है वो एक ही एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन रिलेशन,
कहता है कि जो जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है वो इस रिलेशन में एग्जिस्ट है, वो कौन सी है? द रीजन इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन सेल्समैन एंड सेल्समैन इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कस्टमर आईडी। कहते जो रीजन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो सेल्समैन पर डिपेंड कर रहा है, और सेल्समैन किस पर डिपेंड कर रहा है, वो कस्टमर आईडी पर डिपेंड कर रहा है। जो सेल्समैन कस्टमर आईडी पर डिपेंड कर रहा है ये तो बात ठीक है, लेकिन जो रीजन डिपेंड कर रहा है ना सेल्समैन पर, ये गलत बात है। ठीक है, इट मीन्स दैट रीजन इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन कस्टमर आईडी। इसका मतलब ये है कि जो रीजन है वो कस्टमर आईडी पर ट्रांजिटिवली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ओके। इसकी वो नीचे इंसर्शन अनामली बता रहा है कि हमने कोई भी नया सेलमैन ऐड करना है तो वो क्या होगा, इसको मैं पार्ट देता हूँ। इंसर्शन अनामली क्या, सपोज ए न्यू सेल्समैन आबद जॉइन द कंपनी एंड इज असाइन्ड टू नॉर्थ रीजन। फर्ज करें कि एक नया सेल्समैन आबद है जो जिसने कंपनी को ज्वाइन किया गया है, और उसने क्या उसको रीजन कौन सा दिया गया है, नॉर्थ दिया गया। द रिकॉर्ड ऑफ न्यू सेल्समैन कैन नॉट बी एंटर्ड अंटिल कस्टमर इज आल्सो असाइंड हिम टू अ प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन कस्टमर आईडी। कहते हैं कि हमने एक नया बंदा ऐड करना है जिसका नाम क्या है, आबद है, और उसका सेल्समैन क्या है, रीजन क्या है, वो है हमारा रीजन कौन सा है, वो नॉर्थ रीजन है। ठीक है, बंदे का नाम आबद है, रीजन उसका नॉर्थ है। वो कहता है इसको हम उस वक्त तक इंटर नहीं कर सकते जब तक उसके सेल्समैन और कस्टमर आईडी का हमें नाम पता चल जाए। ठीक है, ये इसमें बता रहा है। डिलीशन एनालिसिस क्या, सपोज द रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर आईडी 40 इज टू बी डिलीटेड, इट विल आल्सो डिलीट द डाटा ऑफ सेल्समैन खालिद हु इज असाइंड टू इस। कहते हैं अगर हम एक ऐसा रिकॉर्ड हमने डिलीट करना है जिसका कस्टमर आईडी क्या है वो 40 है, तो ये क्या करेगा, दाऊद को तो डिलीट करेगा लेकिन साथ साथ सेल्समैन खालिद साहब को भी ये उड़ा देगा। ठीक है, पूरी लाइन जाएगी। उसके बाद है मॉडिफिकेशन एनोमली, सपोज सेल्समैन अहमद इज असाइंड टू ईस्ट रीजन फ्रॉम साउथ, इट रिक्वायर्स अपडेट आवर रिकॉर्ड इन व्हिच अहमद इज अपीयर। कहता है कि हमारा जो अहमद है चौधरी अहमद साहब, ये यहाँ अहमद है और यहाँ अहमद है, हम कहते हैं कि इसको साउथ से हमें क्या कर देना है, हमने इसको ईस्ट देना है। ठीक है, अहमद साहब को हमने साउथ से, हम कहते हैं इसको साउथ से उठाकर ईस्ट दे दो, तो जहाँ जहाँ अहमद होगा वहाँ वहाँ से हमें इसकी अपडेशन करनी पड़ेगी, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये काम करें। हम रिमूविंग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमने क्या करनी होती है, इसको हमने बेसिकली किस तरह रिमूव करना होता है, ये करना यही होता है कि एक जो एट्रीब्यूट, एक नन की एट्रीब्यूट जो दूसरे किसी नन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहे होते हैं ना, उनका एक हमने नया टेबल बना लेना होता है। ठीक है, उसमें डुप्लीकेशन हमने डिलीट कर देनी होती है, और एक उसमें कॉलम को हमने प्राइमरी की बना देना होता है, दूसरी आपकी क्या बन जाती है, मतलब एज ए नन की एट्रीब्यूट बन जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं बाकी टेबल हमने वही रहने देता होता है, जो नन की एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे नन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहे होते हैं उसको हमने डिलीट कर देना होता है। ठीक है, हमने पहले डिपेंडेंसी चेक की ना, तो हमारे पास ये तीन डिपेंडेंसी बनी, मतलब सेल्समैन और नेम डिपेंड कर रहा है कस्टमर आईडी पर, एक टेबल हमने ये नया बना लिया। ठीक है, उसके बाद हमने करना क्या होता है कि जो एक नन की एट्रीब्यूट है जो किसी दूसरे नन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहे होते हैं, उन दो कॉलम्स का हमने एक नया टेबल बना लेना होता है। ठीक है, इन दो कॉलम का हम जब हम नया टेबल बना लेते हैं, तो जो पहले वाला कॉलम है जिसकी वैल्यू का पता होने से हमें दूसरे की वैल्यू मिल जाती है, उसको हम एज ए प्राइमरी की बना लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी की बना लेते हैं और बस सिंपल डुप्लीकेशन हम डिलीट कर देते हैं। इसने ऐसे किया है कि जो पहले वाला टेबल है जो मैंने आपको बताया है जिसमें आपकी दो एट्रीब्यूट प्राइमरी की पर डिपेंड कर, उसने उसका अलहदा टेबल बना लिया, और जो नन की एट्रीब्यूट वाले दो टेबल्स हैं, दो कॉलम्स है उसका, उसने अलहदा टेबल बना दिया, अलग टेबल बना के बाद जो भी डुप्लीकेट रोज थी उसको उसने डिलीट कर दी है। ठीक है, इस तरह आपका ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आर रिमूव टू कन्वर्ट द रिलेशन फ्रॉम सेकंड टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अगर कहते हैं एक टेबल जो कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म है उसको आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना, तो आप क्या करते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव करते हैं। द अबव एनोमलीज अकर ड्यू टू ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। वो कहते हैं ऊपर वाली एनोमलीज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, यानी इंसर्शन डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन एनोमलीज प्रोड्यूस होती हैं, किसकी वजह से, आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की वजह से। मेरी चाय भी ठंडी हो गई है। ओके, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैन बी रिमूव्ड बाय डिकम्पोजिंग सॉरी डिकम्पोजिंग द अबव रिलेशन इनटू टू रिलेशन। कहते हैं जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं, हम एक जो रिलेशन है, एक टेबल है, इसको डिकम्पोज मतलब उसको तोड़ते हुए दो टेबल में उसको कन्वर्ट करते हुए हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव कर सकते हैं। ये जिस तरह करना है ये मैंने आपको पहले बता दिए।
उसके बाद जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो एक नई प्राइमरी की हमें मिलेगी, और एक नया टेबल जो बनता है उसको हम खुद मर्जी से आप नया नाम दे सकते हैं। ये पहले टेबल था सेल्समैन, एक सेल्स टेबल था उसका एक सेल्स टेबल बना और एक सेल्समैन बना, ये अलहदा बन गया, ये अलहदा ऊपर भी हमने ये बना दिए, एक ये वाला और एक ये वाला। बोथ रिलेशन आर नोन फैक्ट थर्ड नाम फॉर्म, देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन दिस रिलेशन, द अबव मेंशनड एनोमलीज हैव आल्सो बीन रिमूव्ड, कहता है ये दोनों रिलेशन थर्ड नाम फॉर्म है, इसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, वो सारी एनोमलीज जो है वो रिमूव की गई है। टू डिटरमाइन द एट्रीब्यूट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बिकम द प्राइमरी की इन सेल्समैन रिलेशन, वो कहता है द डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट, यानी ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू का की वैल्यू को जानने के बाद हमें दूसरे की वैल्यू हासिल हो जाए, यानी जिसकी वैल्यू का अगर हमें पता हो दूसरे की वैल्यू का हम आइडिया लगा सके, अंदाजा लगा सके, ऐसे एट्रीब्यूट को कहते हैं डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट। इसको क्या बना देते हैं हम, प्राइमरी की बना देते हैं, ठीक है, एंड सेल्समैन रिलेशन में सेल्समैन रिलेशन, ठीक है। ओके, ये तो था आपका चैप्टर नंबर 4। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरह आपने चैप्टर नंबर 4 को पढ़ा, हमने इसको सारा अच्छे तरीके से देखा, ठीक है। जितना मैं अपनी कोशिश कर सकता था मैंने अपनी कोशिश से इसको अच्छे तरीके से पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको किसी किस्म का भी इसमें मसला है, किसी जगह पर भी आपको कोई इशू है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई टॉपिक तंग कर रहा है, आपको नहीं समझ आ रही, तो आप बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं पूछते तो मुझे कोई ख्वाब नहीं आना कि आप लोगों को समझ नहीं आई, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके रिलेटेड मैं एक आपको अच्छा सा क्वेश्चन सेंड करूंगा, ठीक है, एक क्विज टाइप क्वेश्चन होगा, बाकी थ्योरी का तो हो गई होगा इसका टेस्ट अच्छा सा खासा, लेकिन एक क्विज टाइप इन द सेंस इस तरह का क्वेश्चन होगा कि मैं आपको एक टेबल दूंगा, मैं कहूंगा कि बच्चों इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ जी आपको कितनी समझ आई है और कितनी समझ है नहीं आई है, ठीक है। चलें जी, ये आज आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम के साथ हम प्रोग्रामिंग साइड पर जाएंगे, सी लैंग्वेज की साइड पर, उसमें आपको मैं एज ए प्रैक्टिस आपको प्रोग्राम करके भी दिखाऊंगा कंप्यूटर पर इंशाल्लाह, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जितना हो सके मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, एक किसका टेस्ट होगा वो मैं अनाउंस कर दूंगा कब होगा किस वक्त होगा इंशाल्लाह, तो हम टेस्ट भी कर लेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।